जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। कलुसियों की पत्री तीसरा अध्याय का 17 वचन, और वचन से या काम से जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। यीशु के नाम के लिए करना, इसका मतलब जो कुछ करें, पढ़ाई, काम या आप बिजनेस करें, कुछ भी हो तो पिता परमेश्वर को धन्यवाद देने के लायक करना है। इसका मतलब परमेश्वर की नाम को महिमा आपके सेवा के द्वारा, आपके काम के द्वारा। वचन कहता है जो कुछ आप करें प्रभु यीशु की महिमा उसमें लाना है और पिता परमेश्वर को धन्यवाद करने का लायक कार्य करना चाहिए आपको। ऐसे करने से पिता परमेश्वर की नाम की महिमा होगा। अब स्वर्ग में परमेश्वर जो उनको अध्ययन करने से, और पौलुस की चिट्ठी में भी देखिए बार बार कहता है तू परमेश्वर के लिए सेवा करना और प्रभु के लिए तू अर्पण करना। इसको कहां से कहता है? पारिवारिक जीवन में या किसी का काम करते हैं, वो कहता है मालिक के नीचे तू सेवा करते हो, ऐसे ही तू काम करना। लेकिन सेवा के बारे में जब वो कहता है, आप फिलिप्पियों दूसरा अध्याय की 22 वचन में देखिए और पहला तिमोथी तीसरा अध्याय का 10वां वचन में, इस सारे वचन में देखिए पौलुस कहता है यदि आप परिवार के रिश्ते में रहते हैं, आपके सारे और परिवार है, आप माता पिता का यदि आज्ञा मानते हो या सेवा करते हो जैसे प्रभु यीशु मसीह के लिए सेवा करते, वैसे ही माता पिता का आज्ञा मानना बराबर है। ऐसे करने से परमेश्वर आपको दोगुनी आशीष देगा। लोग कहते हैं ऐसे तो करता हूं लेकिन आशीष नहीं है। और विश्वासियों के जीवन में हमेशा सोचते मैं विश्वास योग्य रहता हूं लेकिन उसका प्रतिफल को मुझे देखने नहीं मिलती है। परमेश्वर को देखिए, जो विश्वास योग्य सेवा करते हैं, काम करते हैं, उनको जरूर प्रभु प्रतिफल देते हैं। इस दुनिया की मालिकों को देखिए, वो इतनी सताते हैं अपने सेवकों को काम करने का लायक, जितने वो मेहनत करते हैं उतने मेहनत करने का लायक उनको प्रतिफल नहीं देते, यानी तनख्वाह नहीं देते, इतने कठिन रूप से सताते हैं और परेशानी देते हैं। लेकिन हमारा स्वर्गीय पिता आपका मेहनत को देखता है, आपका कठिन परिश्रम को देखता है, आपको त्याग को देके आपके उसका काम का लायक वो प्रतिफल देने वाला, इसलिए उनकी आज्ञा मानना है। हालेलुया, हालेलुया।